आज हम बनाएंगे पालक के नमक पारे। सबसे पहले हमें एक बाउल लेंगे। पालक के नमक पारे बनाने के लिए हमें मैदा लगेगा। एक कप हमने मैदा लिया है। स्वादानुसार नमक डालेंगे हम इसमें। एक चम्मच जीरा डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। दो टेबलस्पून ऑयल डालेंगे हम इसमें। सभी चीजों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पालक की प्यूरी बना के रखी है पहले से। एक कप मैदे के लिए हम आधा कप पालक की प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। हमें इसका एक डो बना लेना है। डो बन के तैयार है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। डो को हमने 5 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। डो में से हमने एक छोटी सी लोई ली है। अब हम इसे रोटी की तरह अच्छे से बेल लेंगे, न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला। रोटी बनके तैयार है, अब हम इसे कट कर लेंगे। पालक के नमक पारे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये 1 महीना तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें नमक पारे डालेंगे। नमक पारे तलते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, इससे नमक पारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। नमक पारों को हमें पलटते रहना है, दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से हमें इसे तल लेना है। नमक पारों में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हम और भी नमक पारे तल लेंगे। सभी नमक पारे बनके तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप भी आपके घर पे बनाइए और मजे से खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।